नमस्कार मित्रों, एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करेले की उन्नत खेती के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, करेला एक प्रमुख सब्जी की फसल है और ये कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। वानस्पतिक रूप से इसका बॉटनिकल नाम मेमोर्डिका चैलेंसिया कुकुरबिटेसी फैमिली का है। क्रोमोजोम की संख्या 22 पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका व एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। जीवन एवं जीवावश्यकी 1975 के अनुसार इसका उद्गम स्थान निश्चित नहीं है, परंतु इसके जंगली पौधे ट्रॉपिकल क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका और पुरानी दुनिया यानी कि दक्षिण एशिया, विशेषकर पूर्वी भारत एवं दक्षिण चीन में पाए जाते हैं। शिशादरी 1986 एवं मुनी राय वो सहयोगी 1993 के अनुसार स्वतंत्र रूप से इसकी खेती दक्षिण एशिया एवं पूर्वी भारत व चीन से प्रारंभ हुई, क्योंकि इसके जंगली पौधे पर्याप्त संख्या में पूर्वी भारत और चीन में पाए जाते हैं। करेला कुकुरबिटेसी कुल का एक शाकीय आरोही पौधा है। वर्षा एवं ग्रीष्मकाल की फसल है और इसकी खेती पूरे देश में की जाती है। इस कुल के पौधों की उत्पत्ति के विषय में सदैव से ही विवाद रहा है। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों की खेती का प्रमाण 7,000 से 5,500 ईसा पूर्व ग्रंथों में मिलता है। कुष्मांड कुल के पौधों की खेती भारतवर्ष में आदिकाल से की जा रही है। इस कुल की सब्जियां विश्व के प्राय सभी ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जाती है। इस कुल के पौधे जंगली रूप में खरपतवारों की भांति उगते हुए भारतवर्ष में भी पाए जाते हैं। औषधि गुणों में ये करेला आप जानते हैं कि मधुमेह के लिए बहुत ही लाभदायक, इसमें चैरिटिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो कि मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। जोड़ों के दर्द में इसको खाने से दर्द कम होता है। मलेरिया, पेट के कीड़ों को मारने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, पेट दर्द में, पीलिया में, पैरों की जलन में और तिल्ली रोगों में इसका विशेषकर औषधीय महत्व है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 4.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। इसके अलावा खनिज तत्व तो इसमें 0.8% पाए जाते हैं। कैल्शियम 25 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 70 मिलीग्राम और इसके अलावा विटामिन सी 6 से 8 मिलीग्राम। कैलोरी ऊर्जा इसमें 12% होती है और गंधक इसमें 15 मिलीग्राम। सबसे ज़्यादा पोटेशियम 152 मिलीग्राम पाया जाता है। इस दृष्टि से पोषक तत्वों के लिहाज से करेला बहुत ही पोषक तत्वों से ओतप्रोत सब्जी है। जलवायु के हिसाब से गर्म और तल जलवायु की फसल है। इसकी फसल के न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। औसतन 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी खेती सबसे अच्छी होती है। इसके लिए बलुई दोमट या दोमट भूमि अच्छी होती है। भारी भूमि में इसे उगा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक पानी भरे रहने के कारण फसल खराब हो जाती है और कभी कभी पानी अगर देरी से देते हैं सिंचाई तो ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं जो पौधे के लिए नुकसानदायक होती हैं। ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो इसके लिए उत्तम होती है और उस भूमि का जल निकास सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बरसात काल में जल निकास की व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। भारतवर्ष में करेले का क्षेत्र पर उत्पादन है, उत्पादकता यहाँ पर दर्शाई गई है। ये टेबल से आपको दिखाई दे रहा है, 2013-14 में जो क्षेत्रफल था 78.09 हज़ार हेक्टेयर, जो कि 2016-17 में बढ़कर के 98 हज़ार हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार से उत्पादन 2013-14 में 807.47 हज़ार मीट्रिक टन था, जो कि 2016-17 में बढ़कर के 1106 हज़ार मीट्रिक टन हुआ। उत्पादकता के हिसाब से देखें तो उत्पादकता 13-14 में 10.34 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 16-17 में बढ़कर के 11.29 मीट्रिक टन है और ये डेटा NHB 2018 के ऊपर आधारित है। उन्नतशील किस्मों में बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसमें करेला, पंत करेला एक, सलेक्शन एक, पूसा दो मौसमी, प्रिया, प्रीति, पूसा विशेष, काशी, उर्वशी, अर्का हरिति, कोयम्बटूर लॉन्ग, कोयम्बटूर लॉन्ग व्हाइट, VK1, कल्याणपुर बारहमासी, पंजाब 14, RHR BG4, RHR BG5, फुले ग्रीन, AMU, प्राइड ऑफ गुजरात, लॉन्ग व्हाइट, प्रियंका, आज बहुत सारी प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। ये सामान्य प्रजाति हैं। संकर प्रजातियों में पूसा संकर एक, पूसा संकर दो, RHR BGH1 एंड
BGH 147 विवेक, ये संकर प्रजातियाँ हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से करेला की बुआई उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जून जुलाई और ग्रीष्मकाल की फसल के लिए फरवरी मार्च में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जून जुलाई में और फरवरी मार्च में मैदानी क्षेत्र की तरह से करते हैं। तराई क्षेत्रों में भी बीज की बुआई जून जुलाई में करते हैं और ग्रीष्मकाल में फरवरी मार्च में की जाती है। पॉलिथीन की थैलियों में यदि आपको उगाना है तो नवम्बर दिसंबर में इसकी पॉलिथीन की थैली परिस्थितियों में कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च मई में बीज बोया सकता है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल से मई तक इसका बीज बो सकते हैं और घाटियों में मैदानी क्षेत्रों की बात ही इसकी बुआई की जाती है। दक्षिणी भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसे वर्ष भर उगा सकते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में अप्रैल से मई तक उगा सकते हैं। बीज की मात्रा का जहाँ तक सवाल है, करेला का बीज हल्का होता है, इसे इसके 4 से 6 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है और बीज को बोने से पहले कवकनाशी दवा थायराम या कैप्टान एरोसन जी एन बेवेस्टीन से उपचार करना चाहिए और इसके अतिरिक्त टाइकोडर्मा का उपयोग भी बीज उपचार के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने लौकी की किस्म बताया था, 8 से 10 ग्राम दवा टाइकोडर्मा, ये कवक है जिसका उपयोग हम बीज उपचार के लिए करते हैं। पोषक तत्वों के लिहाज से करेला के लिए काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी की जाँच के पश्चात ही आप उर्वरक देते हैं तो इकोनॉमिक दृष्टि से आपको फायदा होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है तो गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप फसल खेत में डालें और ये बीज बोने से 30-35 दिन पहले खड़ी फसल में डाल सकें, खड़ी खेत में जिसमें कुछ नहीं बोया हो, आप जुताई करने से पहले डाल दीजिए और फिर मिला दीजिए मिट्टी में। उसके बाद नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फॉस्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 से 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दीजिए और बची हुई नाइट्रोजन को 3-4 भागों में बांट करके बीज की बुआई के बाद जब पौधा लगभग उसमें 3-4 पत्ते आ जाती हैं तो उस समय आप 30-35 दिन की अवस्था पर एक बार दे दें और उसके बाद फिर 50-55 दिन की अवस्था दे दें और उसके बाद फिर 70-75 दिन की अवस्था दे सकते हैं। इस प्रकार से इसकी पोषक तत्व, इसके बाद भी यदि आपके पौधे कमज़ोर दिखाई देते हैं तो आप 0.2% का घोल बना करके यूरिया का पौधे की अवस्था को देखते हुए 0.1 से 0.2% का घोल बनाइए और उसका छिड़काव कर देते हैं। विशेषकर फूल आने के पहले यदि यूरिया का छिड़काव कर देते हैं तो उससे पैदावार में 20 से 25% की वृद्धि पाई जाती है। बीज बोने की दूरी जहाँ तक सवाल है, पौधे की रोपण दूरी, यदि आप कतार से कतार की दूरी रखना चाहते हैं वर्षा काल में 1.25 मीटर से 1.5 मीटर की यानी कि 1.50 मीटर कतार पर कितार दूर रखें और पौधे से पौधे 75 से 1 मीटर की दूरी रखें। ग्रीष्म काल में क्योंकि पौधे कम बढ़ते हैं इसलिए उसकी कतार से कतार की दूरी 1 मीटर से 1.20 सेंटीमीटर रखी जा सकती है और पौधे से पौधे 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की दूरी वर्षा काल में रखते हैं। और इसी दूरी पर आप थाले भी बनाते हैं तो उनमें पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। बीज बोने की कई विधियाँ हैं, इसमें समतल विधि में आप बीज को खेत को समतल करके और उसमें फिर थाले बना करके बो सकते हैं। दूसरी थाला विधि है, तीसरी कूण विधि है, चौथी मैण विधि है और रोपण विधि है। मैण विधि अधिकतर वर्षा ऋतु के सीजन में काम में लाई जाती है और कूण विधि और थाला विधि ग्रीष्मकाल में काम में लाई जाती है। ये मचान विधि है, इसमें आप जो थाला विधि में बीज बो करके एक मचान बना करके और मचान के चारों कोनों पर बीज के थाले में बनाए जाते हैं और उसमें प्रत्येक थाले में 2-3 बीज बोए जाते हैं और बाद में उन पौधों को फिर सुतली या धागे के माध्यम से बढ़ा करके मचान के ऊपर डाला जाता है। इस तरह से पैदावार आपको अच्छी मिलती है। या इसके अलावा आप लकड़ी के मोटे डंडे गाड़ करके उसके किनारे आप रस्सी बांध दीजिए, रस्सी में फिर बीज को सुतली की सहायता से बांध दीजिए तो इस तरह से भी आप फसल को उगा सकते हैं। सिंचाई जहाँ तक सवाल है, इसको भी 15 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है तो एक सिंचाई परिवार के रूप में कर दें जिससे कि बीजों का अंकुरण ठीक से हो सके। वर्षा काल में अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है, जुलाई से सितंबर तक वर्षा काफ़ी हो जाती है तो उस समय सिंचाई का जो पानी होता है उसे निकालने की आवश्यकता पड़ती है और बीज बोने से पूर्व खेत में हल्की सिंचाई अवश्य कर दें जिससे कि जो बीज हैं उनका जमाव ठीक से होते
ग्रीष्म काल में बलुई दोमट भूमि है तो 1 सप्ताह के अंतराल से सिंचाई करते रहें, दोमट या मटियार भारी भूमि है तो 10 से 12 दिन के अंतराल से सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करते समय यह ध्यान अवश्य रखें कि बेल के पास अधिक पानी नहीं भरा रहना चाहिए और पानी वर्षा होने के बाद तुरंत निकाल दीजिए, अन्यथा उसके फल फूल तना सड़ने जाते हैं। यहाँ पर एक विधि दिखाई गई कि इसमें ये नाला विधि है, इसमें नाली बनी हुई है, नाली के बीच में रहेगा, लेकिन एक भी चीज़ देखने वाली है कि इन्होंने मटियार भूमि का उपयोग किया है जिसमें कि पानी की कमी होने पर इसमें दरारें आ गई हैं। इस तरह की दरारें खेत में नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये मटियार भूमि है जो कि इसकी खेती के लिए ज़्यादा उत्तम नहीं है, इसलिए ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें कि मिट्टी में इस तरह की दरारें न पड़ें, क्योंकि दरारों से क्या होता है, पौधे की जड़ें आपस में फट जाती हैं और फटने से फिर उनके पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसकी पैदावार घट जाती है। अब कर्षण क्रिया में आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, खरपतवारों को निकाल सकते हैं, सहारा दे सकते हैं पौधों के, ये पौधे की बेल बढ़ जाती है तो या तो आप नीचे फैलाइए या उनको आप सीधे खड़े रस्सी के सहारे या पोल के सहारे उनको ऊपर बांधिए। टॉप ड्रेसिंग यूरिया की समय से करिए और थाले में निराई गुड़ाई करते रहिए और आवश्यकता अनुसार कवकनाशी दवा और कीटनाशी दवा का उपयोग करते रहिए। अब प्रमुख रोगों में आपका आद्र विगलन, मृद रोम विलासिता, चूर्णी फफूंदी, रुक्ष रोग, फ्यूजर एंड ब्लिट, फल सड़न, जीवाणु पर धब्बा, फल सड़न और मोजा की कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो इसमें लगती हैं। आद्र विगलन के लिए बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज को अगर आप कवकनाशी दवा थारा में कैप्टान से उपचार करके बोएंगे तो इसे भी उसे बचा जा सकता है। मृद रोम विलासिता से बचाने के लिए आप 2,545 दवा का 0.25% का गुड़ बना के छिड़काव करते रहिए और चूर्ण असिता से बचाव के लिए कैराथिन 6 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन के अंतर से 3-4 बार छिड़काव करते रहें। ये विशेषकर जो आपकी बीज वाली फसल होती है उसमें अधिक नुकसान करती है। रुक्ष रोग से बचने के लिए आप कापर ऑक्सी क्लोराइड दवा या ब्लाइटॉक्स दवा फाइटोलॉन फाइटोलॉन के नाम से भी आती है, इसका छिड़काव 0.25% घोल बना करके 10 से 12 दिन के अंतराल पर 3-4 बार कर देते हैं तो रुक्ष रोग से पौधा बचा सकते हैं। फ्यूजरी मिलाने में आप बीज का उपचार करिए, फसल का लंबा चक्कर उपराइए, खेत में पानी मत भरने दीजिए और कैप्टान और 2 ग्राम कैप्टान 1 ग्राम वेबस्टिन मिला करके उसकी ड्रेंचिंग कर देते हैं तो फ्यूजर मिल्टी से बचा सकता है। फल सड़न पानी अधिक भरने की वजह से हो जाता है तो इसमें पोल या मचान पर खेती करेंगे और ब्लाइटॉक्स की ड्रेंचिंग करेंगे तो फल सड़न रोग से बचाया जा सकता है। जीवाणु पर धब्बा के लिए आप जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट दीजिए, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी गर्म करके पोटली में बीज को बांध के उसके डुबो रख के 15-20 मिनट तक, उसके बाद फिर उसको बुवाई कर दीजिए तो इससे जीवाणु पर धब्बा रोग नहीं लगता है। और इसके अतिरिक्त इसमें आप कापर ऑक्सी क्लोराइड और उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 20 ppm और 0.25% कापर ऑक्सी क्लोराइड दोनों को एक साथ मिला करके छिड़काव करें तो आप इससे फसल को बचा सकते हैं। और जो थालों में बोया है तो उसकी ड्रेंचिंग कर दें। मोज़ेक ये आपके तना चूसने वाले कीड़े जैसे थ्रिप्स है, माहू है, सफ़ेद मक्खी है, इससे लगता है तो इनको मारने के लिए आप मेटासिस्टॉक या रोगा दवा का प्रयोग करिए 0.1% तक। मेलाथन दवा भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एमिडाक्लोरपीड दवा है, इसका 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करें तो आप इससे बचा सकते हैं। फल मक्खी है, ये फूल आने की अवस्था पर अंडे देती है तो उस समय इसके लिए सेविन दवा 0.2% का घोल बना करके छिड़काव कर सकें या मेटासिस्टा की दवा 0.1% का घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। रेड पम्पकिन बीटल के लिए मैंने आपको यह बताया था लौकी की तरह से कि 0.2% का घोल बना करके सेविन का या मेलाथियन का 0.1% का घोल बना के छिड़काव करें। कुतरा कीट से बचाने के लिए खेत में आप थीमेट या फिरोडन दवा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देते हैं तो बचा रहे। थालों में आप 2 से 3 ग्राम दवा प्रति थाला डाल करके भी बचा इससे बचा सकते हैं। एपिलेग्ना बीटल भी एक इसी तरह का बीटल होती है जो कि फसल को काफ़ी काट करके नुकसान करती है, चूसती है,
इससे पौधे सूख जाते हैं। तो मेलाथियन दवा 0.1% का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या सेविन दवा 0.2% का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं 10 से 12 दिन के अंदर। इसके अलावा एमिडा क्लोरपिर कोई भी एक दवा ले लीजिए आप इनमें से और उसका छिड़काव करेंगे तो आप इससे फसल को बचा सकेंगे। माहू के लिए आप साबुन या सर्फ 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर देते हैं तो फसल को बचाए। हेरी कैटरपिलर से जैसे मैंने आपको बताया लौकी में, उसी तरह से आप खेत के चारों तरफ गड्ढे बनाइए और उसमें पानी भर दीजिए, या मेड़ों पर हेप्टाक्लोर धूल डाल दीजिए तो इससे बचाव आपको बाहर से कीड़े ना आए उसको रोकना है। निमेटोड से बचाने के लिए निमिगोन, निमेटिसाइड, नीमे की खली इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियाँ हीरा यूनिकॉर्न की है, रुचि, सुरुचि, भाग्य, MBTH 107, 104, 102, 101 प्रजातियाँ हैं। वृद्धि नियामकों का भी उपयोग करेले में काफ़ी लाभकारी पाया गया है। इसमें IA इंडोलेस्टिक एसिड के 20 से 35 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव 2 पत्ती आने पर और 1 छिड़काव 4 पत्ती आने की अवस्था पर किया जाता है तो उससे फलों की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह से मैलिक हाइड्राजाइड 50 से 100 PPM या मिलीग्राम प्रति लीटर घोल करके 2 से 4 पत्ती की अवस्था पर डालते हैं तो इसके पौधों की ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है और फल अच्छे आते हैं। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड 60 से 100 मिलीग्राम या PPM का घोल बना करके 2 से 4 पत्ती की अवस्था पर करने से उसमें मादा फूलों की संख्या अधिक हो जाती है और फल अधिक संख्या में आते हैं। फलों की तुलाई इसमें प्रजाति के अनुसार या फल मुलायम हो उसी समय कर लेना चाहिए। उद्देश्य के अनुसार आपने बीज के लिए फसल बोई है या आपने बाजार के लिए फसल बोई है या किसी और पर्पज से आपने डिहाइड्रेशन के लिए किसी प्रोसेसिंग के लिए बोई है, क्योंकि करेले का अचार भी बनता है तो उसके उद्देश्य के अनुसार इसकी तुलाई कर सकते हैं। बीज बोने के 40-45 दिन बाद फूल आ जाते हैं और 60-65 दिन की अवस्था पर फल तोड़ने लायक हो जाते हैं तो इस समय इनको आप तोड़ करके बाजार भेज सकते हैं। पैदावार के हिसाब से सामान्य प्रजातियों की ग्रीष्म काल में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वर्षा काल में 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फलों की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और संकर किस्मों की 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और वर्षा काल में 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फलों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य ताप पर करेले की फसल को 2 से 3 दिन तक आसानी से रख सकते हैं बिना खराब हुए। कम तापमान पर इसे 7-8 दिन तक रख सकते हैं। ये पंत करेला वन के फल हैं। ये सफ़ेद करेला इसमें दिखाया गया है, ये दूसरा हरे रंग का करेला है। मित्रों आशा है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपका कोई प्रश्न करेले से संबंधित या कोई सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।